हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी शक्करपारे। इसे बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, वो जल्दी से बन जाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप घी, दूध चाहिए आटा गूंदने के लिए, आधी छोटी चम्मच नमक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बोल के अंदर मैदा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर। मैंने चीनी को घर में ही पीस के पाउडर शुगर बना ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे घी। ये मेल्टेड घी इसके अंदर डाल देंगे। आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना मैंने यहाँ पे घी लिया है 1/4 कप, उतना ही आप यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर पारे में घी का मोहन डालने से शक्कर पारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि ये जो मैदा और पाउडर शुगर है एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल किया है मिक्स करने के लिए। इसे मिक्स करने के बाद अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक साथ दूध नहीं डालना है, जितनी जरूरत है उतना ही इसके अंदर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध डालने से शक्कर पारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। दूध को बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने के बाद ही हम आटा गूंदने के लिए दूध का इस्तेमाल करेंगे। शक्कर पारे का आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदना चाहिए, इसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। जैसा हम पूरी का आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही इसे भी हम गूंद लेंगे। यहाँ पे आटा गूंद के रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये वाला जो कप है इतना मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम शक्कर पारा बेलने के लिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आटा हमने गूंद के रखा था उसे 4 भाग में इस तरह से इसके लोइया बना लेंगे मीडियम साइज के। इसे गोल कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे रोटी के जैसे बेलना शुरू करेंगे राउंड शेप में। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसकी थिकनेस हम मीडियम ही रहने देंगे। और इसके नीचे मैंने ना तो ड्राई आटे का इस्तेमाल किया है ना ही घी का। इस तरह से खाली बेल लेना है। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है नीचे, क्योंकि हमने जब आटा गूंद रहे थे जब ही इसके अंदर घी डाल दिया था, इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी थिकनेस मीडियम ही रखी है मैंने यहाँ पे। अब हम इसे कट करना शुरू करेंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे पिज्जा कटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल कर सकते। इसे लंबे स्लाइस में इस तरह से कट कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से घुमा देंगे और इसे ए साइड से कट करना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे चौकोनी शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो आप आपके हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे डायमंड शेप में, जो भी आपको चाहिए उस शेप में आप इसे कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बिना शेप के शंकर पारे उसे मैंने निकाल लिया है, और ये जो शंकर पारे अच्छे वाले इसे हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे शक्कर पारे बेल के कट करके रेडी कर लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम शक्कर पारे फ्राई करने वाले। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टोव के ऊपर कढ़ाई रख दी, उसके अंदर तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद अब हम इसके अंदर शक्कर पारे डाल के इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। इसे मीडियम से लो हीट पे ही फ्राई करना है, हाई हीट पे नहीं। इसे लो हीट पे जब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे ये फ्राई होके रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। एक किचन टॉवल के ऊपर मैंने इसे निकाल दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है किचन टॉवल के अंदर चला जाए।
शक्कर पारे आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे तेल का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हम सारे शक्कर पारे फ्राई कर लेंगे लो से मीडियम हीट पे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे शक्कर पारे फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसके ऊपर, गोल्डन ब्राउन कलर, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बड़ी आसानी से टूट जा रहे, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शक्कर पारे के ऊपर कितने अच्छे से लेयर आ चुकी है। अब मैं आपको इसे खा के बताऊंगी केक कितने क्रिस्पी बने हैं। यहाँ पे अपने क्रिस्पी शक्कर पारे रेडी हो चुके हैं। आप इसे 1 से 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।